तो क्या अभी आप अपनी स्किन के पिंपल से परेशान हो चुके हैं, या फिर आपकी स्किन में इस तरह से डार्क स्पॉट हो चुका है, स्किन में टैनिंग पड़ चुकी है, या फिर पिगमेंटेशन हो चुका है? क्योंकि समर सीजन आने वाला है तो ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगे। तो इससे पहले आप ये फेस पैक फटाफट से बनाना सीख लें और किस तरह से लगाना है जिसकी बहुत अच्छा ग्लो स्किन वाइटनिंग प्रोवाइड करता है। तो चलिए बताते क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपको लेनी है चावल, फिर कोई सा भी राइस ले सकते हैं, और इसमें आपको लेनी है मसूर की दाल। इसे अच्छे से वॉश करनी है, वॉश करने के बाद इसे अच्छे से सुखा देनी, यानी इसमें जितने भी डर्ट वगैरह होंगे ना उसको अच्छे से आपको पहले धो देना है। धोने के बाद इसे सुखा देनी इस तरह से, ये देखिए। सुखाने के बाद इसे क्या करना है ना, इसे अच्छे से रोस्ट कर लेनी है, अच्छे से मिक्सी में डाल के इसे पाउडर बना लेना है। तो जाती हूँ मैं इसे मिक्सी में, जाकर इसको पाउडर बना के लाती हूँ। उसके बाद इसे क्या मिला के अपने फेस पे लगाना है ना, वो मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, आती हूँ इसको पाउडर फॉर्म में करके। तो मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद ना, तो आटा छाकने वाली जो चलनी होती है उसे छाकने के बाद कुछ इस तरह से एक दरदरा सा हो जाएगा, और इस तरह से एक तो पाउडर फॉर्म में आपको कर लेनी है। तो ये जो पाउडर फॉर्म में हो गया ना, इसे हम पैक बना के लगाएंगे। इसे आप एज अ स्कर्ब, आप बॉडी स्कर्ब या फेस स्कर्ब में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे पैक में नहीं लगानी है। तो यहाँ पर हम यहाँ ले लेंगे 2 टेबल स्पून के लगभग, अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून के लगभग मैं लूँगी ये इस तरह से। मसूर की दाल और जो चावल के आटा होते हैं ना, उसके फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी स्किन के टैनिंग को दूर करता है, क्योंकि समर सीजन आने वाला है तो स्किन में टैन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्किन की टैनिंग को दूर करेगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा, जो स्किन में पिगमेंटेशन हो जाते हैं, डार्क स्पॉट वगैरह हो जाते हैं ना, उसे दूर करेगा। चावल के आटे जो स्किन को बहुत ही क्लीन करता है, वो भी डार्क स्पॉट को दूर करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, और स्किन वाइटनिंग में भी काम आता है। रॉयल टर्मेरिक यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं स्किन टोन को विभिन्न करने के लिए। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एल्गोनिस का ऑरेंज पील पाउडर। तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं यह यूज़ कर रही हूँ। ये स्किन को बहुत ही क्लीन करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, हमारी स्किन का डलनेस को भी दूर करेगा। यहाँ पर मैं लूँगी 1/2 टेबल स्पून के लगभग ऑरेंज पील पाउडर। थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐड करेंगे हनी। तो मैं यहाँ पर डाबर का हनी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे हमारी जो स्किन है ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। फेस पैक यूज़ करने में ये स्किन बहुत ही अच्छे स्मूथ रहेगा। तो यहाँ पे मिल्क से हम इसका पेस्ट बनाएंगे। बस इसे आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ करनी है। 2 बार यूज़ करिए, अपनी स्किन में आप देखिएगा ना टैनिंग रहेगी, ना स्किन में आपका कोई भी पिगमेंटेशन वगैरह रहेगा। स्किन दिन ब दिन आपका निखरती जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये आपके फेस पैक जो है रेडी हो चुका है। आपको यकीन ना होना तो आप इसे एक बार ही देखिएगा, फर्स्ट टाइम में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बस जो मैं इंग्रेडिएंट बताई, बस आपको वो इंग्रेडिएंट यूज़ करनी है। ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, कोई से भी स्किन टाइप पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आती अपने फेस को क्लीन करके, उसके बाद अपने पूरे फेस पे से लगा के आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो फेस होनी चाहिए क्लीन, तो मेरा फेस देख सकती है बिल्कुल भी क्लीन है, कोई भी मेकअप वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं। आप चाहे तो अपने फिंगर के हेल्प से भी इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरे फेस पे एंड नेक पे आपको अप्लाई कर लेनी है, एंड इसको हम ड्राई होने तक अपने फेस पे रहने देंगे। इसको वॉश किस तरह से करना वो मैं आपको बताती हूँ। तो आती हूँ 50 मिनट के बाद, उसके बाद दिखाती हूँ इसे रिमूव करने का सही तरीका। था वीडियो में बने रहिएगा। तो आफ्टर 50 से 20 मिनट मेरे स्किन कुछ इस तरह से हो चुका है। तो इसे वॉश किस तरह से करना बता देती हूँ। तो आपको हल्के गुनगुने वाटर से इसे स्क्रब करते हुए, इस तरह से मसाज करते हुए फेस पैक को रिमूव करना है। तो आती हूँ रिमूव करके, उसके बाद दिखाती हूँ इसका इंस्टेंट रिजल्ट। वीडियो में बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं ना, बहुत ही अच्छा स्किन को क्लीन करता है फर्स्ट टाइम में ही। तो वीक में 2 टाइम आपको यूज़ करना है इसे ज़रूर, आपकी स्किन को टैनिंग को दूर करने के लिए, स्किन को पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट से दूर रखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, बस इसी तरह आपको यूज़ करनी है। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दे। बाय।